वसंत कुंज वार्ड 69 एस के निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा वसंत कुंज की हर सोसाइटी में लगातार सफाई अभियान और फॉगिंग और दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। जी हाँ, बदलते मौसम के साथ डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी ये प्रयास निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा कराया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको वसंत कुंज की एक सोसाइटी की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सफाई अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें फॉगिंग भी करी जा रही है। उसके बाद यहाँ पर मनोज महलावत के इस कार्य से इलाके के लोग भी बेहद खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि मनोज महलावत का यह काम बेहद ही सराहनीय है। देखिए सफाई इन दिनों के नहीं, सफाई तो हमेशा हमेशा से जरूरत है हमारे जीवन की। और कहते हैं ना कि जो पशु भी जब बैठता है तो अपनी जगह को साफ करके बैठता है, चाहे पूछ से ही क्यों ना करे, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो सफाई हमारा एक कर्तव्य है कि हमें जितनी हम ज़्यादा करेंगे उतना हम अपना देश को भी आगे बढ़ाएंगे, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखेंगे, एक हम सुंदर और स्वच्छ स्थान पर रहने के लायक भी रहेंगे। लगातार सुबह शाम में सफाई अभियान में लगे पड़े हैं, तो इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है जो आप थकते नहीं है कार्य करते हुए? ऊर्जा मिलती है, देखो आप जैसे सभी बंधु जो हमारा सहयोग करते हैं लगातार, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं पूरे वसंत कुंज क्षेत्र के हों चाहे हमारे गांवों के हों, सभी लगातार कुछ ना कुछ शिक्षा देते रहते हैं और हमारा हौसला अफजाई करते रहते हैं। तो मेरे क्षेत्र के जो मेरे गणमान्य बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, युवा साथी हैं, सभी से ऊर्जा मिलती है। और जब कोई अच्छा काम करते हैं तो ऊर्जा उससे वैसी अधिक हो जाती है। तो ऊर्जा का स्रोत और सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय क्षेत्रवासी हैं और उनका लगातार आशीर्वाद, सहयोग और साथ हमेशा मिलता रहता है। जैसे कि सिर्फ निगम पार्षद को या एमसीडी कर्मचारियों को ही सफाई के जागरूक होना जरूरी नहीं है, तो क्या यहाँ के क्षेत्रवासी भी जागरूक हो रहे हैं सफाई के प्रति? बिल्कुल, इसमें कहने में कोई कोताही नहीं है कि हमारे वसंत कुंज क्षेत्र के ज़्यादातर रेजिडेंट्स इसके लिए जागरूक है सफाई के लिए। और जहाँ थोड़ी बहुत कमियाँ दिखती हैं तो हम जाते हैं वहाँ, सफाई अभियान भी करते हैं और उस हम वहाँ के लोगों को जागरूक करते हैं कि सफाई आपको करनी कितनी ज़रूरी है। तो सभी सहयोग करते हैं, जहाँ कुछ कमियाँ हैं वहाँ हम जाके ठीक करते हैं, चाहे जगह PWD की हो चाहे DDA को हो, हमें सफाई का हमने बीड़ा उठाया है, हम अपने क्षेत्र को बिल्कुल साफ करके रहेंगे। मेरा नाम JP सिंह है। किस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं सफाई अभियान? वैसे तो इनको सहयोग की ज़रूरत नहीं है, ये इतने एनर्जेटिक हैं कि सुबह से हम खुद ही लगे रहते हैं, लेकिन जब भी हमें मौका मिलता है, क्योंकि हम तो 65 साल से ऊपर हैं तो इसलिए कोशिश यही रहती है कि घरों में रहें पेंडेमिक के कारण, लेकिन जब कभी हमें ज़रूरत होती है, बुलाते भी हैं तो हम आ जाते हैं और ये अपने आप लगे रहते हैं। हमारी गाइडेंस ज़रूर लेते हैं बीच में, लेकिन इन ये इतने अनथक हैं कि इनके होते हुए हमें किसी की और की ज़रूरत पड़ती नहीं है और हमें इन पर घमंड है कि भी इतने अच्छे कार्यकर्ता हमें मिले हुए हैं। तो आप भी किस तरह से जागरूक हैं सफाई के लिए, इलाके में लोगों को भी कर रहे हैं जागरूक? नहीं, हमने तो देखा है यहाँ पर भी, बाहर घूम के भी देखा है, साफ सफाई अगर नहीं है देश में तो बीमारी फैलेंगी तो ऑलरेडी एक बीमारी है, ये और एड हो जाएगा उसके अंदर। इसलिए साफ सफाई तो सबके लिए ज़रूरी है, हर कोई अपने घर में रखता ही है, बाहर का भी करे वो थोड़ा सा। देट विल